लगातार खबरों के लिए बेल आइकन दबाइए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यूज 29 इंडिया को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 29 इंडिया और आपके साथ मैं हूं साक्षी। आइए रुक करते हैं अभी की ताजा खबरों पर। सागर खुरे के जरवांस बाईपास चौराहे पर भीषण सड़क हादसा, कार और जेसीपी में हुई भिड़ंत, एक ही परिवार के 5 लोगों की हुई मौत। खुफिया विभाग के इनपुट के बाद अयोध्या में प्रशासन हुआ सतर्क, अयोध्या में हुए आतंकी हमले को लेकर प्रयाग में सुनाया जाना है फैसला। विदिशा विधायक ने नगरपालिका अध्यक्ष पर लगाया शहर के विकास कार्य नहीं करने का आरोप, नपाध्यक्ष ने आरोपों को किया सिरे से खारिज, कहा विधायक ही नहीं करने दे रहे काम। सागर खुरई के जरवांस बाईपास चौराहे पर जेसीबी और कार की जोरदार भिड़ंत हो गई, हादसे में कार सवार दंपति सहित उनकी 3 बेटियों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसा इतना दर्दनाक था कि कार का इंजन दूर जाकर फिका गया और कार के परखच्चे उड़ गए। कार सवार गुना के आरोन निवासी पुलिस आरक्षक सुभाष सप्रे बिनागंज थाने में पदस्थ थे। वह अपनी पत्नी गुड़िया बेटी निशा मुनमुन बेबो के साथ सागर से अपने परिचित की शादी में शामिल होकर आरोन जा रहे थे, तभी देर रात यह हादसा हो गया। हादसे में सभी लोगों की मौत हो गई, कार का चालक घायल है, जेसीबी को जब्त कर थाने में भेजा गया है। पुलिस मामले की जाँच में जुटी है। सागर से लौटते समय तब हो गया हादसा। कैसे हो गए? जेसीबी आ गई अचानक, हम अपना रास्ता जा रहे थे, अचानक लेफ्ट साइड से आके और सीधा हमने जेसीबी आए जो आपके हाथ में घुस गई। कितने लोग थे? चौराहे पर बाईपास में रात में 12:30 की लगभग की घटना है। शिफ्ट डिजायर इसमें एक अरोन तहसील जिला गुना के परिवार शादी में सम्मिलित होकर सागर से वापस जा रहे थे। सागर से सुधीर द्विवेदी की रिपोर्ट। अयोध्या में इस समय प्रशासन बेहद सतर्क है। अयोध्या आने वाले हर वाहन की सघन तलाशी ली जा रही है, हर आने जाने वाले पर पैनी निगाह रखी जा रही है, संदिग्धों की तलाश की जा रही है। एक तरफ खुरिया विभाग ने जहां अयोध्या और गोरखपुर में आतंकी इनपुट दिया है, वहीं दूसरी तरफ 5 जुलाई 2005 को अयोध्या में हुए आतंकी हमले के दोषियों पर कल प्रयाग में फैसला सुनाया जाना है, जिसको लेकर प्रशासन अलर्ट है। धर्मनगरी अयोध्या हमेशा आतंकी निशाने पर रहती है, इन दिनों अयोध्या की सुरक्षा व्यवस्था और बढ़ा दी गई है क्योंकि खुफिया विभाग के आतंकी गतिविधियों के इनपुट पर अलर्ट जारी किया है। तो वहीं 5 जुलाई 2005 को हुए अयोध्या के येलो जोन में आतंकी हमले के दोषियों को सजा सुनाई जानी है, जिसको देखते हुए अयोध्या की सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी कर दी गई है। पुलिस द्वारा सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। सीओ अयोध्या अमर सिंह ने बताया कि 2 कंपनी रैपिड एक्शन फोर्स व पीएसी को अयोध्या की अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था में लगाया गया है। होटलों और ढाबों की तलाशी ली जा रही है, सादे वस्त्रों में भी पुलिस की तैनाती की गई है। इसके संबंध में अयोध्या पूरे क्षेत्र में और बल्कि पूरे जिले में पूरी सतर्कता बढ़ती जा रही है और इसके लिए 2 कंपनी रैपिड एक्शन फोर्स भी आया है और कई कंपनियां पीएसी की और सिविल पुलिस के सभी लोग अलर्ट कर दिए गए हैं। सभी जगह पेट्रोलिंग की जा रही है, जितने भी होटल ढाबे और रुकने के स्थान हैं। अयोध्या से मोहम्मद आलम की रिपोर्ट। विदिशा विधायक और बासोदा के पूर्व विधायक ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार को 6 माह पूर्ण होने पर अब तक के कार्यों की जानकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए दी। बातचीत के दौरान शहर के विकास को रोकने का आरोप नगर पालिका अध्यक्ष पर लगा दिया। इन आरोपों को सिरे से नकारते हुए नपा अध्यक्ष ने उल्टे विधायक पर ही सहयोग न करने का आरोप लगाया है। उल्लेखनीय है कि प्रदेश की कांग्रेस कमलनाथ सरकार को 6 महीने पूरे हो गए हैं। इसी को लेकर अपना रिपोर्ट कार्ड पेश करते हुए विदिशा विधायक शशांक भार्गव ने प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने अपनी कई उल्लेखित कार्यों को भी गिनाया, साथ ही साथ शहर के विकास में आ रही कमी को लेकर नपा अध्यक्ष मुकेश टंडन पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं। उन्होंने कहा कि नपा अध्यक्ष की नीयत में खोट है, जानबूझकर विकास के कार्यों में रुकावट डाल रहे हैं, ठेकेदारों का पेमेंट रोक रहे हैं जिससे ठेकेदार काम छोड़कर भाग गए। ऐसे ही कई और मुद्दों पर उन्होंने नपा अध्यक्ष पर गंभीर आरोप लगाए।
कमलनाथ जी की सरकार के टाइम लाइट नहीं जा रही, सिर्फ ट्रिपिंग हो रही है। उसका कारण ये है कि पिछले साल विदिशा में 105 मेगावाट का बिजली का कंजम्पशन था, इस गर्मी में बढ़ के 146 मेगावाट हो गया। और जब कोई भी यंत्र होता है वो गर्म अगर हो जाता है तो ट्रिपिंग स्वाभाविक बात है, क्योंकि गर्मियों का सीजन। इन आरोपों के बीच नपा अध्यक्ष मुकेश टंडन ने पलटवार करते हुए विधायक शशांक भार्गव की ही नियत पर शंका जाहिर कर दी। उनका कहना है कि हमारी नगर पालिका में हमने 4 साल में कई विकास कार्य किए हैं, नेक नियति से काम करने वाले अधिकारियों के तबादले करवा दिए, उनकी अपने अधिकारियों को नगर पालिका में ठोक दिया गया, हस्तक्षेप ज्यादा करते हुए खुद कार्य में बाधा डाल रहे हैं। उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं 3 बार की हार का बदला आम जनता से ले रहे हैं। कार्रवाई होना चाहिए, जहां मूलभूत सुविधाएं नहीं थी वहां भी हमने जनता को मूलभूत सुविधा मिले, इसके लिए दिन रात परिश्रम करके नगर पालिका के अधिकारी कर्मचारी और पार्षद साथियों के साथ हमने काम किया है। ये हमारी नियत है, वो ये प्रदर्शित करती है कि हमारी नियत कैसी है शहर के प्रति। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 29 इंडिया। उमरिया जिले के कलेक्टर स्वरोचिष सोमवंशी की जब से पदस्थापना उमरिया जिले में हुई है तब से वे लगातार जनहितैषी कार्य कर रहे हैं। वे अपना ज्यादा समय आम जनता के बीच जाकर उनकी बातें सुनकर जनता के हित के लिए कार्य कर रहे हैं। वे प्रति सोमवार जिला मुख्यालय में होने वाली बैठक समय सीमा को अब गांव में कर रहे हैं। सोमवार को यह बैठक उमरिया जिले के अंतिम छोर के गांव बिछिया में हुई। यहां पर प्रशासनिक बैठक के दौरान आम जनता से संवाद हुआ। यहां पर कलेक्टर ने लोगों की शिकायत का मौके पर निराकरण किया और पंचायत के एक कर्मचारी को सेवा में लापरवाही के कारण निलंबित कर दिया। ग्राम पंचायत हमारे जिले की सबसे सुदूर की ग्राम पंचायतों में से एक है, डिंडोरी बॉर्डर लगता है। भौगोलिक परिस्थिति के हिसाब से एक विषम अवस्था में है, पहाड़ी पर है। पेयजल और बिजली की 2 बहुत प्रमुख समस्याएं सामने आई जो राज्य से संबंधित है, तो हम इसमें प्रस्ताव बनाकर भेजेंगे। रिपोर्ट, न्यूज 29 इंडिया। बंडा विधानसभा के स्थानीय कृषि उपज मंडी प्रांगण में जनपद पंचायत एवं नगर परिषद बंडा द्वारा सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आयोजन में सीईओ सुरेंद्र खरे और विधायक तरवर सिंह लोधी व्यवस्था बनाने में जुटे रहे। विवाह सम्मेलन में कुल 75 वर वधु परिणय बंधन में बंधे। पंचायत मंत्री और विधायक ने वर वधुओं को आशीर्वाद दिया। नगर में जल संकट की स्थिति के विषय में पंचायत मंत्री से बात की तो उन्होंने बताया कि अभी पूरे प्रदेश में जल संकट की स्थिति गंभीर है, क्योंकि 15 साल बीजेपी शासन ने राज किया है, इसीलिए हम सभी कांग्रेस जन सुविधाओं को बदलने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, सच बात तो ये है कि बुंदेलखंड का पैकेज जितना मिला था, जितनी राशि का हमारी सरकार ने, केंद्रीय सरकार ने व्यवस्था की थी, अगर मध्य प्रदेश की पिछली सरकार उसमें भ्रष्टाचार नहीं करती तो बुंदेलखंड में पानी की समस्या कहीं भी नहीं होती। पर हमारी सरकार बनते ही हमने तय किया है कि सबसे पहले बुंदेलखंड के जितने भी तालाब, नदी और जल के स्रोत हैं, सबसे पहले पुनर्जीवन का काम हम बुंदेलखंड से ही शुरुआत कर रहे हैं। सागर से सुधीर द्विवेदी की रिपोर्ट। अभी की खबरों में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए न्यूज 29 इंडिया के साथ। एक देश सारे प्रदेश।